ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर, करंटली वर्किंग एट कॉस्मे स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक होगा विटामिन सी के हवाले से। विटामिन सी है क्या, कौन सी खुराक के अंदर मौजूद है और कोरोना वायरस को लेकर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि विटामिन सी बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो बॉडी से जहरीला मवाद निकालने में मददगार साबित होती है। वो जहरीला मवाद जो कि बहुत सारी बीमारियाँ, इन्फेक्शन और इवन कैंसर तक का बायस बन सकता है, विटामिन सी उसको बॉडी से निकालने में मददगार साबित होता है। सो पहला फ़ायदा इसका हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है हमें, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है, इवन कैंसर तक से बचाने में मददगार साबित होता है। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि ये कुव्वत मुदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस अगर अटैक करता है तो वाइट ब्लड सेल्स उससे लड़ने में मददगार साबित होते हैं। विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। तो अगर विटामिन सी बॉडी में कम है, विटामिन सी की मकदार बॉडी में पूरी नहीं है, तो कभी भी वाइट ब्लड सेल्स सही तरीके से नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से कुव्वत मुदाफ़त आपकी अच्छी नहीं होगी और कोई भी अगर आपको बीमारी होती है तो वो बीमारी आप पे हावी हो सकती है। कोरोना वायरस को लेके विटामिन सी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना वायरस हो गया, आपकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी है तो आप बीमारी पे हावी होंगे, अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त अच्छी नहीं है तो बीमारी आप पे हावी हो सकती है। सो विटामिन सी का हम लोग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल सारे न्यूट्रिशनिस्ट बता रहे हैं क्योंकि ये कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करेगा और ज़ाहिर अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर है तो आप बीमारी पे हावी हो सकते हैं। सो दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करने में मददगार साबित होता है। तीसरा इसका फायदा यह है कि यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए इंतहाई फायदेमंद है, जो यूरिक एसिड है उसको बॉडी से ये फ्लश आउट करने में मददगार साबित होता है। चौथा फायदा इसका यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में और ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मददगार साबित होता है। सो ब्लड प्रेशर का जिनका मसला है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल का या दिल से रिलेटेड कोई मसला है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा फायदा इसका यह है कि ये स्किन के लिए इंतहाई अच्छा है। जिन लोगों जिन खवातीन को यह है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश लगे या हमारी स्किन तरोताज़ा लगे वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी खुराक के अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, विटामिन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम अलग-अलग डिस्कस कर लेते हैं। फलों के अंदर ये जितने हमारे सिट्रिक फ्रूट्स आ जाते हैं, माल्टा, कीनू, मौसमी, उनके अंदर मौजूद होता है। ऑरेंजेस को आप जूस की फॉर्म में भी ले सकते हैं, अगर आपको फ्रूट खाना इतना पसंद नहीं है तो आप उनका जूस बना के ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज के अंदर विटामिन सी की अच्छी मकदार है। अगर आपको स्ट्रॉबेरीज वैसे नहीं पसंद तो आप स्मूदी के फॉर्म में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दही के अंदर स्ट्रॉबेरी अगर आप काट के डाल लें तो वो भी बहुत अच्छा एक डिजर्ट सा बन जाता है। मीठे के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बच्चे भी बड़े शौक से उसको खा लेते हैं। सो उस विटामिन सी जो है वो स्ट्रॉबेरीज के अंदर भी अच्छी मकदार में मौजूद है। आप स्मूदी के फॉर्म में या मिल्कशेक के फॉर्म में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते के अंदर विटामिन सी की बहुत अच्छी मकदार है। पपीता वैसे भी कोरोना वायरस को लेकर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है क्योंकि पपीता एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से हमें बचाता है। बॉडी के अंदर अगर कोई और साथ पैरेलल इन्फेक्शन चल रहा है तो उससे बचाने में मददगार साबित होगा। विटामिन सी भी होता है पपीते के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएगा। और तीसरा इसका यह फायदा है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स भी हैं। सो शायद आपको याद हो जब डेंगू आया था तो तब भी पपीते का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया था, वैसा ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उसका कोरोना वायरस को लेके भी है। सो पपीते का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए, या इस बीमारी से ये नहीं कह सकते बचने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए। अब फिर अगला जो फ्रूट आता है वो आता है अमरूद। अमरूद के अंदर जो है वो विटामिन सी की अच्छी मकदार मौजूद होती है। अमरूद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, फ्रूट चाट के तौर पे किया जा सकता है। अगर आपको वैसे अमरूद पसंद है तो आप वैसे भी अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें विटामिन सी की अच्छी मकदार है। इसके अलावा कीवी एक फ्रूट होता है, बहुत आसानी से पाकिस्तान में ऑल्दो अवेलेबल नहीं है लेकिन बड़े स्टोर्स पर अवेलेबल है, उसके अंदर भी विटामिन सी की अच्छी मकदार है। अगर हम सब्जियों का जिक्र करें तो सब्जियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो होता है लीमू। लीमू के अंदर विटामिन सी की बहुत अच्छी मकदार है। आप लीमू पानी वैसे भी बना के पूरे दिन पी सकते हैं, गर्मियों का मौसम आ रहा है, वो हाइड्रेशन भी रखेगा यानी कि पानी की कमी भी नहीं होने देगा और विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स हो जाएगा। इसके अलावा शिमला मिर्चों के अंदर विटामिन सी की अच्छी मकदार है, आप सालन के तौर पर भी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। चना चाट, लोबिया चाट बना के भी उसमें भी आप शिमला मिर्च डाल सकते हैं, वो भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स होगा। उसके ऊपर अगर आप नींबू निचोड़ लेते हैं तो मजीद बेहतर हो जाएगा। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ।
टमाटर के अंदर भी विटामिन सी की अच्छी मिक इसके अलावा टमाटर के अंदर भी विटामिन सी की अच्छी मिकदार है, वो ज़ाहिर हमारे सालन में भी डलता है। अगेन सैलड्स के अंदर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सालन में उसकी मिकदार बढ़ाई जा सकती है। एंड चना चाट लोबिया चाट के अंदर भी आप टमाटर डाल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा देखा जाए तो शलजम के अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार मौजूद है और ब्रोकली के अंदर विटामिन सी की अच्छी मिकदार मौजूद है। इनको आप ज़ाहिर है ब्रोकली को आप स्टीम करके सैलड में डाल सकते हैं। अगर आप वैसे सैलड के बगैर भी स्टीम ब्रोकली खा सकते हैं तो उस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड शलजम जैसा कि हम जानते हैं उसका सालन बना के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, ज़रा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं। 500 mg सप्लीमेंट फॉर लाइफ टाइम आपने इसको लेके नहीं चलना, आजकल के रात में 500 mg सप्लीमेंट डेली लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा। बच्चों के भी ज़्यादा बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ा